त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि। कबीर ने मानव जीवन को एक प्रतीक के द्वारा समझाया और वो प्रतीक है झोंपड़ी का। हमारा जीवन जो है एक झोंपड़ी के समान है। अब झोंपड़ी कैसे बनती है? दो बांस गाड़ देते हैं हम आगे पीछे, उनके ऊपर एक लंबा बांस डाल के दोनों के साथ बांध देते हैं और फिर दो दीवारें बनाते हैं घास फूस की, तीन टप्पर की, उन दीवारों को यूं टेढ़ा करके खड़ा कर देते हैं तो झोंपड़ी बन गई। अब इसमें कोई अलमारी, कोई वार्डरोब, कोई ड्रॉअर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मटकी रस्सी लपेट के ऊपर वाले बांस से वो मटकी बांध देते हैं तो खाने पीने का सामान उसमें रख देते हैं जो रात को बच रहा, नहीं तो बिल्ली बिल्ली आएगी खा जाएगी छोड़ेगी नहीं, तो उसमें डाल देते हैं। तो कीमती चीज होती है वो भी उसी में डाल के रख देते हैं, रात को सोने के टाइम मान लो कंगन वंगन उतारा उसी में डाल के रख दिया, सवेरे पहन लिया। ये मानव का शरीर, मानव का जीवन कबीर जी बता रहे हैं। अब पहले तो इसको समझ लो कि क्या है। तो सबसे पहले तो जो दो दीवारें हैं ये तुम्हारा दुचितापन है। चित्त हर काम में दो हो जाता है, कुछ भी करो, करो ना भी सोचो कुछ, और सोचते ही दो चित्त हो जाएंगे, एक इधर खड़ा हो जाएगा एक इधर खड़ा हो जाएगा। ये हस्बैंड मेरा ट्रू हस्बैंड है कि नहीं है, ये वाइफ मेरी मेरी है नहीं है, ये बच्चे मेरे मेरे ही हैं नहीं है, ये काम करूं चल पड़ेगा नहीं चलेगा, बस पकड़े एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं होगा, जहाज में बैठे हैं गिर जाएगा नहीं गिरेगा, कुछ भी करें, सोचने का कर्म करें या हाथ का कर्म करें, चित्त के दो रूप सामने आ जाएंगे। ये तो सांसारिक बात है, ये भगवान को नहीं बख्शता, परमात्मा है कि नहीं है, दो चित्त हो गए, एक कहता है दूसरा कहता है कब, कोई नहीं। और सारी उम्र फलाने भक्ति की पूजा की उसको मिला के होता भगवान तो देखता ना, एक चित्त कह रहा है भगवान होता है दूसरा कहता है नहीं। हम आम तौर पर किसी एक के साथ बह निकलते हैं, चित्त ने कहा भगवान नहीं होता, हमने कहा कोई भगवान नहीं, पूजा पाठ सब छोड़ दिया, नास्तिक हो गए। फिर कुछ दिनों बाद दूसरा चित्त बोला मूर्ख तेरे हाथ में क्या है, सब कुछ तो उसी के हाथ में, तो फिर उधर को चल पड़े, फिर धूप बत्ती शुरू कर दी जलानी घर में, फिर पूजा पाठ शुरू कर दी। अध्यात्म में मैं ध्यान में बैठा हूं, दिख तो कुछ नहीं रहा, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ये दो चित्त हो गए, एक चित्त कहता है हो रहा है एक कहता है नहीं हो रहा है। और यहां हम प्रमाण मांगते हैं, हो तो पता चले, बाकी जगह प्रमाण क्यों नहीं मांगते भाई, तुमने सोचा हस्बैंड मेरा है कि नहीं है या पत्नी मेरी है कि नहीं है, वहां प्रमाण क्यों नहीं मांगा कि मैं तो तब मानूंगा है या नहीं है जब प्रमाण मिलेगा, कि बच्चे मेरे हैं कि नहीं है, जिसको मैं मित्र समझता हूं मेरा है कि नहीं है, तो प्रमाण तो कहीं नहीं मांगा तुमने, तो यहां प्रमाण मांग रहे हो, इसलिए मांग रहे हो कि ये चित्त जो कहता है कि नहीं ब्रह्म इसी तरह से मिलेगा उसको छोड़ना नहीं चाहते, ये हाथ से ना निकल जाए।
तो इसको पकड़ के रखो, लेकिन दूसरे चित्त को भी नहीं छोड़ना चाहते। वो जब कहता है कि कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हें लगता है वाकई कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ तो होना चाहिए। समर्पण में दोनों चित्त छोड़ने पड़ते हैं। समर्पण उसी को, जैसे मैंने अभी हैदराबाद वालों को मैं समझा रहा था, मौन समाधि में क्या है, दोनों फैकल्टी सोए तुम्हारी, एक तो ये फैकल्टी जो बाहर से हम बोल रहे हैं जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक अंदर बोलने की है फैकल्टी, सारा दिन बोलते रहते हो, मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, अंदर एक वार्तालाप अपने से चलता रहे। तो इसी प्रकार से जब तक दोनों चित्त नहीं काबू में आएंगे तब तक एकांत नहीं मिलेगा। एकांत का अर्थ ये नहीं है कि घर से भाग कर कहीं ऐसी जगह बैठ के जहां कोई दिखाई नहीं देता, परिंदा भी नहीं है, ये एकांत नहीं है, क्योंकि वो शोर अंदर का वहां भी चलता रहेगा जहां तुम बैठे हो, और जहां शोर होता है वहां एकांत हो ही नहीं सकता। एकांत तो वहां होगा जहां कोई आवाज नहीं है, तो बाहर की आवाज से तो तुम भाग लिए, एक चित्त से भाग लिए, लेकिन दूसरा चित्त जो है तो वहीं का वहीं खड़ा है, शोर तो अंदर ज्यादा होने लग गया एकांत में पहुंच के, घर में कम हो रहा है, क्योंकि घर में अटेंशन डाइवर्ट हो रही थी, एकांत में तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रही है, तो पूरा शोर जो है लाउड हो जाता है, मुखर हो जाता है। तो ये दो दीवारें, दो चित्तों की दीवारें हैं जिनसे मनुष्य का जीवन बनता है, और जो बीच में बांस डाल रखा है, जब दोनों चित्तों को बांधता है ऊपर जाके, वो मोह है। मोह बांधता है कभी इस चित्त के साथ, कभी उस चित्त के साथ, मोह नहीं हो तो चित्त भी दो नहीं है, क्योंकि दीवारें खड़ी नहीं होंगी जब तक ऊपर का बांस नहीं होगा, खड़ी किसके सहारे होंगी, और दोनों दीवारों को अगर मिला के खड़ा कर भी दे तो हवा के एक झोंका उड़ा देगा, तो बांधने को वो बांस चाहिए, और उस बांस को, मोह के बांस को अगर हम समझ लें तो फिर दुचिता भी नहीं रहती। मोह क्या है? मोह प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, मोह चिपकने का नाम है, प्यार चिपकाता नहीं है। आपको एक कपड़े से प्यार हो सकता है लेकिन चिपकते नहीं है उससे, आपको किसी दृश्य से प्यार हो सकता है लेकिन सारा दिन उसी को नहीं देखते रहते, आपको अपने बच्चे से प्यार हो सकता है लेकिन सारा दिन बच्चे को गोद में लिए नहीं घूमते हो, बड़ा हो गया आपको कार्य जा रहा है, मेरी आंख से परे ना हो बच्चा, ये मोह है। और मोह जो है जिसके प्रति भी पैदा हो जाए उसका अहित कर देते। मान लो 21 वर्ष के बेटे को माँ कहे कि नहीं मैं अपनी आंख से दूर नहीं होने दूंगी, तो क्या होगा? न स्कूल भेजेगी, न कॉलेज भेजेगी, अनपढ़ बना के बिठा ली, तो उसका तो सत्यानाश कर दिया सारा कैरियर। ये मोह के काम, प्यार में कोई बंधन नहीं है, प्यार में तो माँ तैयार करेगी, अगर वो लेट हो रहा है तो डांटेगी कि तेरा टाइम हो रहा है स्कूल का, निकल। लेकिन आंख के सामने रखने का मोह, चिपकने का मोह, जिस वस्तु से भी कर लो, धन से कर लो, खर्चते हुए जान निकलेगी, क्योंकि मोह हो गया है, और मोह नहीं है तो दोनों हाथ लुटा दोगे, मोह है तो नहीं, कहीं अपने पर भी नहीं खर्च करो, किसी को तो क्या देना है, दान तो क्या करना है, अपने पर भी खर्च नहीं किया जाता, बनियान फट गई नहीं अभी चल सकती है महीना भर, और ब्लेड घिस गया नहीं खींच सकता है दो सेब, अपने पर भी नहीं खर्च में मोह, और मोह का वो बंधन जो है वो हमारे जीवन के दोनों चित्तों को बांध के खड़ा रखता है, बैठने नहीं देता, सोने नहीं देता, भागने नहीं देता, और उसमें जो हमने मटकी लटकाई वो हमारी तृष्णा की मटकी, प्यास हमारी खत्म ही नहीं, धन कितना, वस्त्र कितने, जूते कितने, नौकरी कितनी, इन्वेस्टमेंट कितनी, शेयर कितने,
प्रॉपर्टी कितनी तो जितनी है उससे और चाहिए, इसको तृष्णा कहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि सब कुछ लोगों में बांट के नागा साधु बन के घर से निकल जाओ, हमने कभी नहीं कहा। इस संसार को भोगो, हम तो ये कहते हैं भोगो और रस लेके भोगो, लेकिन कहीं तो कोई सीमा हो कि बस ये एक्टिविटी यहां तक, इसके आगे हम साधारण भाषा में समझाते हैं कि तुमने बच्चे पैदा किए, पाल लिए, बड़े हो गए, शादियां कर दी, अब उनके बच्चे हो गए, उनके परिवार हो गए, अब तुम बीच में क्यों घुसे बैठे हो, निकलो। यहां तक तो ठीक है, तुम्हारा कर्म था कि तुमने बच्चे पैदा किए, पाले, बड़े किए, पढ़ाए लिखाए, जो बन सकते थे बन गए, उनके अपने परिवार हो गए। लेकिन नहीं, वो दादी या नानी वो नहीं छोड़ सकती, और फिर इसका बहाना बना दिया कि नहीं जी सूत तो असल से ज्यादा प्यारा होता है। अपने आप को इससे बड़ा धोखा तुम क्या दोगे, पहले तो ये सूत खाई क्यों रहे। प्यारा ना प्यारा तो बात की कहानी है, पहली चीज तो यही है कि तुम सूदखोरी क्यों कर रहे हो, तुमने अपने बच्चों को क्या इन्वेस्ट कर दिया जिसका सूद मांग रहे हो। लेकिन नहीं, वो मोह नहीं जाता, तो ये मोह का वो बांस और उस बांस के साथ चंगा हुआ जो बर्तन है, घड़ा है, वो घड़ा तुम्हारी तृष्णा का घड़ा है, वो भरता ही नहीं, कितने ही तृष्णा उसमें डाल दो वो भरता ही नहीं। और जब तक ये सारा कुछ जो कबीर ने मनुष्य जीवन बनाकर समझाया है ये टूटे फूटेगा नहीं, तब तक तुम ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं कर सकते। भरते रहो घड़ा और अमीर हो जाओगे और प्रॉपर्टी बन जाएगी और शेयर मिल जाएंगे, लेकिन ब्रह्म नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मिलना कहां है, ब्रह्म तो तुमको होना है, तुम्हारी आत्मा को आत्मा से परमात्मा होना है। अभी ये सिंपल सोल है, फिर इसको प्राइम सोल होना है, ये आत्मा है वो परम आत्मा है। परमात्मा तो तुमको बनना है, बाहर कहां है परमात्मा जिसको ढूंढते फिर रहे हो। अपने को ब्रह्मत्व देना है, और ब्रह्मत्व देने के लिए ये झोपड़ी जो है इसको गिराना होगा। ये कैसे गिरेगी, ये भी कबीर ही समझा रहे हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, दुचिते की दोई थूनी गिरानी, दोनों दीवारें गिरा दी आंधी ने, बना हुआ भी तोड़ दिया रस्सा। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, वो जो ऊपर का लंबा बांस था बलेंडा कहते हैं, वो टूट गई। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तृष्णा छानी, तृष्णा का घड़ा पड़ी धर ऊपर, और उसमें रखा हुआ तुम्हारा क्या था, दुर्मति। कुबुद्धि संभालते हो, बुद्धि नहीं संभालते। किसी के बारे में कभी किसी व्यक्ति ने आधा घंटा सोचा हो बैठ के कि मैं उसका भला कैसे करूं, कभी नहीं, तुम में से भी किसी ने नहीं सोचा। लेकिन किसी का बिगाड़ना कैसे है वो दो घंटे सोचते रहो, सारी स्कीमें बनाओ। कोई भिखारी भूखा मर रहा है, उसके बदन पर कपड़ा नहीं है, तुमने कभी 15 मिनट नहीं सोचा कि इसको कैसे कपड़ा पहना दूं, कैसे रोटी खिला दूं, कभी नहीं सोचा। लेकिन जिसका बिगाड़ना है उसके लिए कई कई घंटे सोचते रहे। दुर्बुद्धि जो है, दुर्मति जो है, उसको पकड़े रखते, और सुबुद्धि जो है उसका संग्रह करना ही नहीं चाहते। तो दुर्मति का उसके अंदर जो एक घड़ा है, घड़े के अंदर एक और बर्तन छोटा रखा, लोटा रखा, उस लोटे में दुर्मति डाल दी और टांग दिया कि सुरक्षित रहे। आंधी आई तो तृष्णा छानी पड़ी धर ऊपर, दुर्मति भांडा भांडा। आंधी जब ज्ञान की आती है तब ये
हमारे जीवन की जो कबीर बता रहे हैं, हमारे जीवन की ये झोपड़ी ध्वस्त होती है, नष्ट होती है। लेकिन केवल ज्ञान से ही ब्रह्म मिल जाए तो फिर तो ज्ञानी होना ही सबसे बड़ी बात हो जाए, फिर और तो कुछ रहा ही। लेकिन नहीं, ज्ञान तो केवल ये है कि तुम झोंपड़ी को समझ लो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ज्ञान तो इतना ही है बस कि तुमने झोंपड़ी की वास्तविकता समझ ली और ये समझ लिया कि हमारा जीवन जो है वो हमने इस झोंपड़ी की तरह से बना रखा है और इसके ये एलिमेंट्स हैं। ऊपर का बांस है, साइड के बांस हैं, वो हैं दीवारें हैं और बीच में बर्तन लटकाया है, बर्तन के अंदर बर्तन है और उसमें दुर्मति पड़ी है, ये तुमने समझ। और दोनों बांस जो हैं, थूनी कहते हैं बांस को, वो थूनिया जो हैं वो सहारा देने वाली है। तो तुम्हारे जो कर्म हैं वो थूनिया है, तुम अपनी दुर्मति को कर्मों से सहारा देते रहते हो, एक्शन से। लेकिन ज्ञान इसके आगे नहीं चलता, इसके आगे तो ज्ञान से भी परे निकलना होता है, जिसको नो माइंड कहते हैं। क्योंकि ज्ञान तो माइंड की वस्तु, और माइंड से आगे जब निकल जाएंगे तो ज्ञान पीछे रह जाएगा। बुद्धि प्राप्तियों के अंदर बाधक है, ज्ञान अगर रुक गए ज्ञान पर आके तो उसके आगे का रास्ता नहीं, तो इसलिए ज्ञान से आगे निकलना है। और ज्ञान से आगे जब निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम भी प्रकाश होते हैं, वो भी प्रकाश होता है। और फिर जब हम अपने को ही, अपनी आत्मा के प्रकाश रूप को ही उदय होता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज सूरज चढ़ाया पहली बार। आंधी पाछे जो जल बरसे तिही तेरा जन भीना। प्रभु का भक्त जो है सच्चा, वो भीगता है किससे, जब उसका ब्रह्मरंध्र बरसता है अनहदनाथ की। और इस पानी से भीग कर वो ज्ञान से परे निकल जाता है, क्योंकि अभी तक सुना या देखा था, अब अनुभूति होगी, अनुभव हो। जब अनुभव हो जाए तो ज्ञान से आगे निकल जाते हैं। जानना बुद्धि है, अनुभव कर लेना, जानना बुद्धि है, उसको समझ लेना ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से आगे निकलना है अनुभव। तो आंधी पाछे जो जल बरसे तिही तेरा जन भीना, कहे कबीर आनंद भयो है उदय भानु जब चीना। जब सूरज को चढ़ते हुए देखा, आनंद तो तब आया, इससे पहले जिस चीज को हम आनंद समझ रहे थे वो आनंद नहीं था, धोखा था। फिल्म देखी, अच्छा लगा, मजा आ गया, ठीक है। आनंद किसको कहते हैं, जो अनंत। ये फिल्म देखी अच्छी लगी तो 15 मिनट की कहानी है। किसी वस्तु से मोह किया, उस वस्तु को प्राप्त कर लिया, कितनी देर की कहानी। घटा 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, मोह टूट जाएगा। लेकिन एक वस्तु ऐसी है हमारे अंदर, आत्मा, अगर हम उसको उसके ब्रह्मत्व तक पहुंचा दें तो फिर अनंत आनंद है। क्योंकि आनंद एक ऐसी वस्तु है जो दुर्लभ है। प्रसन्नता, खुशी, लेजर, प्रेजेंटनेस, ये सब कुछ मिल जाता है संसार में, लेकिन इसकी उम्र लंबी नहीं होती। तो लंबी उम्र वाला अनंत आनंद होता है, इसीलिए ब्रह्म का नाम परमानंद रखा गया। परमानंद, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जॉय, उसको जॉय भी नहीं कहते, उसको ब्लिस कहते हैं अंग्रेजी में। वो ब्लिस की स्टेज है जहां समाप्ति नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण के साथ कि जीवन जो कबीर ने समझाया है,
और जिसको मैंने अपने ढंग से एक्सप्लेन किया है, इसको समझ के अपने जीवन की इस झोंपड़ी को आंधी आने की प्रतीक्षा करने की बजाय खुद ही फूंक मार के उड़ा दो जोर से, ताकि आंधी पता नहीं कब आएगी, खुद ही ढा दो इसको और इससे बाहर निकलो, और इससे बाहर निकलकर अपने आप को ही आनंद से परमानंद में परिवर्तित करने का प्रयास शुरू करो। इसी आशा के साथ, इच्छा के साथ आज हम ध्यान करेंगे।